जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं योगेश मिश्रा आप सभी का दैनिक रोजगार समाचार प्लस अमर उजाला की महत्वपूर्ण खबरों में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें हम यूपी TGPT नए विज्ञापन को लेकर आ रही बड़ी खबर, साथ ही LT ग्रेड नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इसके अलावा UPPSC से निकल के आ रही बड़ी खबर, साथ ही TGPT PRT की एक और भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, इसके अलावा अन्य खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी चौंका देने वाली खबर एक बार फिर से सामने निकल कर आ चुकी है COVID-19 को लेकर, और बहुत ही ज्यादा इसका कहर बढ़ चुका है। फिर से देख सकते हैं कि 1,00,000 मामले मात्र एक दिन में मिले हैं, 7 दिन में टूटा 6 महीने का रिकॉर्ड। ये बात की जा रही है फ्रांस की, देख सकते हैं कि फ्रांस में पहले ही दिन 1,00,000 मामले सामने निकल के आए हैं, लॉकडाउन भी लगना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि शिक्षा मित्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रदेश सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की है, जबकि 1,58,000 शिक्षा मित्र नौकरी के इंतजार में बैठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 17,000 यहां पर नए अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही 6,000 यहां पर जो है 69,000 अभ्यर्थियों के लिए, तो इस प्रकार से यहां पर सरकार के द्वारा 23,000 नई भर्ती की घोषणा तो की गई है, लेकिन यहां पर सरकार के द्वारा ही इसके पहले 51,000 का हलफनामा लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और भर्ती मात्र यहां पे 17,000, तो इसको लेकर लगातार यहां पे जो विवाद है ये कायम है, क्योंकि भर्तियों में पदों की संख्या को लेकर सरकार के द्वारा लगातार कटौती की जाती है, बताया कुछ और जाता है और सामने कुछ और निकल के आता है। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर जुटी भीड़, फूले अफसरों के हाथ पांव। जी हां साथियों, कल की डेट में यहां पर युवा पंचायत की तैयारी को लेकर के बैठक हो रही थी बालसन चौराहे पर, और जिसमें जो है UPSI के भी काफी यहां पर अभ्यर्थी शामिल हो गए थे, और इसको लेकर के यहां पर फिर जो है पुलिस कर्मियों द्वारा जो ये बैठक है इसको समाप्त करवाया गया। वहीं UPTGDPT और LT ग्रेड नए विज्ञापन को लेकर भी बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TGPT की एक और भर्ती के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये भर्ती निकल के आ रही है नेवी चिल्ड्रेन स्कूल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली की तरफ से, और जिसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये भर्ती है, जिसमें सिलेक्शन के चांस भी काफी ज्यादा है, और कल देर रात इसकी जानकारी दी गई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही टेलीग्राम पर भी इसकी कंप्लीट डिटेल आप सभी को मिल जाएगी। और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं साथियों कि UPTGDPT LT ग्रेड के नए विज्ञापन के लिए यहां पर इस ग्रुप के द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। ये ग्रुप है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा का। देख सकते हैं कि यहां पर कहा गया है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में घोषित हो सकता है LT और TGPT का नया विज्ञापन, और जैसे कि लगातार यहां पर चाहे वो चयन बोर्ड हो या फिर जो है प्रतियोगी मोर्चा हो या फिर चाहे जो भी संगठन हो, लगातार यही जो जानकारी सामने निकल के आ रही है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में हर हाल में जो इसका विज्ञापन है वो घोषित किया जाएगा। देख सकते हैं कि ये ग्रुप है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा का। और यहां पर साथियों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है कि TGTPGT में भी जैसा कि 27,000 पद बताए जा रहे थे, लेकिन यहां पर 27 में से 2 हटा करके मात्र 7,000 पदों पर ही यहां पर विज्ञापन जारी करने की तैयारी है, और अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट की माने तो 30,000 यहां पर जो है तदर्थ के भी सीट खाली, तो इस प्रकार से पदों की संख्या तो 55,000 पार जाती है, लेकिन यहां पर बहुत ही बड़ी कटौती भी की गई है। लेकिन अभी एक बात और यहां पर जो है कहा गया है कि कुछ कॉलेजों के द्वारा डेटा नहीं भेजा गया है, तो ये हो सकता है कि अभी इसमें कुछ संख्या बढ़ जाए तो 7,000 प्लस भी भर्ती देखने को मिल सकती है। वहीं LT ग्रेड को लेकर के तो बड़ी खुशखबरी निकल के आई है और नोटिस भी जारी की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अभी जो भर्तियां हैं वो बढ़ेंगी। इसके बाद साथियों यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर खबर निकल के आ रही ओमिक्रॉन के खतरे के बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग की गाइडलाइन, अभिभावकों की सहमति से ही स्कूल जाएंगे विद्यार्थी। तो यहां पर देख सकते हैं कि लगातार यहां पर जो खतरा है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहां पर UPPSC से अगली खबर निकल के आ रही है कि यहां पर आंसर सीट को लेकर के काफी ज्यादा यहां पर विवाद चल रहा है PCS भर्ती को लेकर। तो साथियों आज की खबर यहीं तक, वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।